उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लगातार ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के मजदूरों को लगातार रोजगार देने की बात कर रही हो, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि लगातार जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, पूरी तरीके से लगातार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा रही, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला निस्तारण, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भले ही पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा के मजदूर के लिए लगातार एक अच्छे रोजगार देने के लिए बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से रोजगार सेवक एक प्रधान से मिलकर एक बड़ा घोटाला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरीके से जो मनरेगा का मजदूरी का जो पूरी तरीके से विकास कर दिखाई दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से अपनी जो हाजिरी लगाकर मजदूरों को रोजगार सेवक पैसे निकालने का काम करता हुआ दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी शिकायत लगातार की जा रही, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। नाम है आपका? सुषपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? रटौली। ग्राम पंचायत? रटौली। क्या समस्या है आपकी? सब मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और तीन जगह काम चल रहा है जी, और मैंने भी काम किया, उसका पेमेंट नहीं भुगतान कर रही है जी। रोजगार सेवक और प्रधान जी आज की डेट में 63 लेबर लगी है जी, लेकिन मौके पर एक भी लेबर काम नहीं कर रही है। फर्जी तरीके से लेबर के खाते में पैसे डालकर जी 20% लेबर को देते हैं, 80% प्रधान रोजगार खाते हैं जी। मौके पर हम गए, फोटो खींची, वहाँ मौके पर एक भी लेबर नहीं काम कर रही थी। लेबर कोई काम नहीं कर रही? लेबर कोई काम नहीं कर रही थी। दिखाया तो जा रहा है 65 लेबर लगी हुई है आपके यहाँ? नहीं, हम गए वहाँ तीनों जगह मौके पर काम करने के लिए, वहाँ कोई लेबर मिली। जो आपके वो नाले दिखाई जा रहे हैं उनमें तो घास खड़ी हुई है, उनमें कैसे? हम वीडियो बना रहे थे, हम जब काम करने गए वहाँ लेबर थी नहीं। वहाँ नहीं, नाले में जो घास खड़ी हुई है तो आप कैसे, तो इसका मतलब वहाँ काम हो ही नहीं रहा है? काम हो ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घास नाले में है तो काम कैसे लेबर काम करेगी? खुदाई का कहीं फावड़ा लगा हुआ नहीं है? कहीं काम हुआ है? हो ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि वहाँ फड़ुआ चला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। घास ये बिल्कुल फर्जी, फर्जी तरीके से भ्रष्टाचार। कौन कौन इसमें सम्मिलित है? इसमें पूरन सिंह रोजगार और प्रधान। प्रधान? प्रधान। अच्छा, आपका टीए कौन है? मौर्या जी। अच्छा, मौर्या जी कुछ नहीं देखते हैं? वो नहीं, उनसे एक दिन मैंने शिकायत भी की जी, हमने कहा लेबर ऑनलाइन चल रही है जी, आप सर कुछ नहीं देख रहे हो जी, तो उन्होंने बोला मुझे इस बात के बारे में आप क्यों सोच रहे हो। अच्छा, हमने कहा चलो हमारा पेमेंट करवा दो, मुझे कोई मतलब। आपका काहे का पेमेंट है? अरे हमने नरेगा में काम किया था। अच्छा, नरेगा में काम किया। हाँ। आपको पेमेंट नहीं दिया? नहीं दिया, वो कहते हैं जहाँ शिकायत करना है कर दो। अब देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में भले ही सख्त कानून व्यवस्था को लेकर लगातार प्रयास करती नजर आ रही, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक मनरेगा को लेकर पूरी तरीके से घोटाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया तो कहाँ तक इसका जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, देशभर न्यूज, इटावा, उत्तर प्रदेश। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।